की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले का आयोजन प्रगति मैदान में किया जा रहा है। मेले में दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचकर अपनी मनपसंद पुस्तकों को खरीदारी कर रहे हैं। प्रगति मैदान में लग रहे इस मेले को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी मनपसंदीदा किताबों को बुक स्टॉलों पर देख रहे हैं। इस मेले में नामी बुक प्रकाशनों ने भी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें बीके प्रकाशन, एमडी प्रकाशन, गोयल प्रकाशन ने अपनी अपनी पुस्तकों को मेले में अहमियत दी है। आइए जानते हैं इन प्रकाशनों के प्रबंधकों का क्या कहना है। वी लॉन्च एग्जाम आइडिया एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सीरीज फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th, व्हिच इज आई थिंक गोइंग टू बी लोएस्ट एंड इकोनॉमिकली प्राइस वाइज इज वेरी लेस। And we have launched also the 20 plus, which will be very useful for all the coming board exam, because this class 10th board exam is after 7 years gap. There was no board exam as most of the parents know. So this is the best series for preparing exam on the last moment in month of January. And this is the right time they can prepare with this 20 plus part of exam idea, and it's widely available, and we always produce book in lower price, but quality we are never comparing with. It should be always best quality of paper and best printing. हमारा सबसे updated रहता है, हम कोशिश करते हैं कि पुराना material या पुराना books ना जाएं। हमारा हमेशा कोशिश रहती है हम नई किताबें दें बच्चों को, और एकदम क्वालिटी वाइज हमारा ये रहता है कि जैसे बच्चों को मार्किंग स्कीम मिलती है, कितने मार्क्स के हिसाब से पूछते हैं, 5 पूछते हैं, तो उनको उतनी ही वर्डिंग्स में समाप्त कर देते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा ना हो, बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़ा जाए। ये हमारे एग्जाम आईडी की स्पेशलिटी है। प्लस जैसे रतन जी ने बताया कि क्वालिटी और प्राइस वाइज हमारा बहुत कंपेयर, किसी से भी कंपेयर करें प्राइस वाइज बहुत इकोनॉमिकली चीप है, जो आजकल चल रहा है सबसे। इस बार हम रोबोटिक्स को लेके आए हैं। इसके माध्यम से बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं और इनोवेटिव बनाना चाहते हैं। इसका जो पूरा कैरिकुलम है वो स्टेम एजुकेशन पे बेस्ड है, और इसके चलते बच्चे कुछ क्लासेस लेने के बाद से खुद से एक सिंपल मशीन बना पाएंगे। हमारा ये मोटिव है कि इसको पढ़ने के बाद बच्चा अपनी जितनी साइंसेज या जितना नॉलेज उसने मैथमेटिक्स में प्राप्त किया है या लिया है, उसको इस्तेमाल करके एक सिंपल मशीन बनाए और कुछ इनोवेटिव बनाए। अच्छा, हमारी यही योजना रहती है कि हर पुस्तक मेले में हम कुछ अलग करें। तो अगले साल में जो हम लॉन्च करने वाले हैं, तो वो अब इस साल में टेक्नोलॉजी या बच्चों का रुझान जिस तरफ जाएगा, जिस मीडियम के ओर जाएगा, हम अपना प्लेटफॉर्म एजुकेशन का भी वही बनाना चाहेंगे। तो ये हमारी स्टडी रहती है थ्रू आउट द ईयर कि बच्चे किस तरफ उनका रुझान जा रहा है, उस तरह की हम किताबें बनाएं या उस तरह का मीडियम यूज़ करें। तो ये तो आगे आने वाले साल में ही स्कूल बुक पब्लिशर्स 14वें वर्ल्ड फेयर में आप सबका स्वागत है। मैं मीडिया भाइयों से कहूँगा कि ये सब आपके हाथ में है, कि इस वर्ल्ड फेयर को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। आप जिस नज़रिए से इनको दिखाएंगे, पब्लिक उसी नज़र देखेगी। और जहाँ तक हम पब्लिशर्स, ऑथर्स या आप कह सकते हैं कुछ हद तक आर्टिस्ट लोग, टीचर्स लोग, इन सब की तरफ से पूरी कोशिश होती है अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें लिखे हैं। पुस्तक स्टॉलों के साथ साथ ही इस मेले में पुस्तक लेखक भी किसी से पीछे नहीं रहे। अपनी अपनी नई पुस्तकों का विमोचन इसी मेले में पुस्तक लेखक कर रहे हैं। इसी दौर में युवा लेखक उज्जवल चुग ने अपनी डिजिटल मार्केट पर तैयार की गई पुस्तक डीएमडी का विमोचन जानी मानी हस्तियों द्वारा कराया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री की डिजिटल मार्केट योजना को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। जो है ये किताब एक किताब ही नहीं है, ये बहुत एक सारी चीजों को साथ में जोड़ने का, एक साथ में पिरोने का एक बहुत आप कह सकते हैं एक बहुत बहुमूल्य ज्ञान है। कारण क्या है, देखिए आज की डेट में अगर आप कुछ भी करते हैं, आप किताब लिखिए, आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कुछ भी करते हैं, आखिरकार आपको उस चीज़ में जो आपने क्रिएट
संविधान को ध्यान में रखकर ही निकाली गई है, इसलिए हमने इसको इंग्लिश वर्जन और इसका हिंदी वर्जन, क्योंकि बहुत सारों को होता है कि अंग्रेजी में वो नहीं इसको कर पाते, और अंग्रेजी जबकि मैंने इसमें बहुत सिंपल लिखी है जो हर एक इंसान समझ सकता है, बट फिर भी क्योंकि ये आगे हर कोने तक पहुंचे और डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो भी साकार हो। विश्व पुस्तक मेले में लगी इस भीड़ से लग रहा है कि पुस्तक प्रेमियों की संख्या इजाफा हो रहा है, जिसका लाभ पुस्तक विक्रेताओं को होगा, साथ ही साथ पुस्तक लेखकों को भी अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।